चलिए इसी बीच बड़ी खबर, यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया है और पहले तीन स्थानों पर महिलाओं ने अपना कब्जा जमाया है। श्रुति शर्मा ने यूपीएससी टॉप किया है। एग्जाम में श्रुति शर्मा को पहली रैंक हासिल हुई है। अंकिता अग्रवाल ने दूसरी रैंक हासिल की है। गामिनी सिंगला ने तीसरी रैंक हासिल की है। और आपको जानकारी साथ ही दे दें कि यूपीएससी 2021 में कुल 685 उम्मीदवार सफल हुए हैं। प्रेस्टीजियस ये इस लिहाज से भी काफी ज्यादा अचीवमेंट हो जाता है, क्योंकि पहले तीन स्थानों पर बाजी मारने वाली देश की बेटियां हैं। तीन स्थानों पर बाजी मारी है। कुल 685 उम्मीदवार यूपीएससी 2021 में सफल हो पाए हैं। पहले तीन स्थानों पर महिलाओं ने कब्जा जमाया है। क्रमशः अब आपको जानकारी देते हैं। श्रुति शर्मा यूपीएससी टॉपर इस साल। 2021 में यूपीएससी टॉप करने वाली श्रुति शर्मा, एग्जाम में पहली रैंक श्रुति को हासिल हुई है। इसके अलावा अंकिता अग्रवाल ने दूसरी रैंक हासिल की है। दूसरी रैंक पर अंकिता अग्रवाल। गामिनी सिंगला ने तीसरी रैंक हासिल की है। और क्रमशः तीन लड़कियां पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर यूपीएससी 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। रिजल्ट घोषित हो गया है। मच अवेटेड की परीक्षा थी और इस पर रिजल्ट पर भी जितने भी अभ्यर्थी थे, जितने भी परीक्षार्थी थे, उनकी निगाहें बनी हुई थी। देखिए, एक प्रेस्टीजियस मोमेंट है उन लोगों के लिए जो कि बहुत सालों में इसकी एक तरीके से पढ़ाई नहीं, तपस्या करते हैं। यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित हो गया है। कुल 685 उम्मीदवार इसमें सफल हुए।